स्टार्ट करते हैं आज का। इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी वो देखिए। इसमें काइनेमेटिक चेंज, मैकेनिज्म्स एंड इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, काइनेमेटिक चेंज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसको थोड़ा सा क्विकली हम फिनिश कर लेंगे। इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग काइनेमेटिक चेंज इज an assembly of rigid bodies connected by joints to provide constraint or desired motion. Kinematic chains can be classified. ये open और close का तो concept पता है आपको। अगर first link is connected with the last one, kinematic chain will be of closed type. लेकिन अगर first link last से connected नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये open type। लूप भी बेटा आप लूप बोल सकते हो कि क्लोज चेन टाइप का होता है। नारायण प्रताप का क्वेश्चन है कि लूप्स क्या होता है, तो लूप के केस में व्हेन लिंक्स आर कनेक्टेड वन टू वन और फर्स्ट लिंक लास्ट से कनेक्टेड है तो वो क्लोज्ड चेन का टाइप होता है, उसको लूप बोल सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म छोड़ दो, आंख बंद कर लो, सामने जो राइट हैंड पे फिगर दिख रहा है उस पे देखो, जो लिखा हुआ उस पे ध्यान मत देना। राइट हैंड पे क्या है, एक चाबी वाला ना, जो बचपन में आप लोगों ने खेला होगा, चाबी वाला बंदर है। जब इसकी चाबी भर देते हैं तो अपने आप थोड़ी देर में ये बजने लगता है ना, क्या बोलते हैं, चलने लगता है या बजने लगता है या इस तरह के बहुत सारे खिलौने हमने देखे हुए हैं। और इसके अलावा कार आती थी है ना, कार में चाबी भर के छोड़ दो तो धीरे धीरे फिर वो आगे मूव करती है। तो एक्चुअली मैकेनिज्म से क्या मतलब है कि अगर हम बेसिक इसका इसके पार्ट की बात करें, सिर्फ हाथ की बात करें, जब ये क्लैपिंग करता है तो क्लैपिंग किस तरह से कर रहा है, कौन कौन सी चीजों से मिलके ये क्लैपिंग का जो वर्क है ये परफॉर्म किया जा रहा है, ये सब क्या है, मैकेनिज्म का ही पार्ट होता है, या यूं कह लें एक मशीन का पार्ट होता है मैकेनिज्म। जब हम चाबी भर देते हैं तो इसके अंदर स्प्रिंग होती है। ठीक है, स्प्रिंग क्या करती है, स्प्रिंग आपकी जो भी हम चाबी भरते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं, और जैसे जैसे थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो धीरे धीरे एनर्जी बाहर निकलती है। तो एनर्जी स्टोर होने से एनर्जी रिलीज होने तक का जो प्रोसेस होता है, भाई आप चाबी पकड़ के घुमा रहे ना, ध्यान से सुना, स्पार्क ऑन कर लो, चाहो मत देखो कुछ, चाबी पकड़ के जब हम घुमा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वो फोर्स गियर्स के थ्रू, अलग अलग गियर लगे होते हैं अंदर, तो गियर्स के थ्रू कहां पर जा रहा है, नितिन सर स्कैन करके भेज दीजिए सर के साइन करा के। चाबी हम घुमा रहे हैं और चाबी घुमाने के साथ साथ जो पावर है, जो एनर्जी है, वो स्प्रिंग में जाकर के स्टोर हो जाती है। एनर्जी स्टोर हो जाने के बाद जैसे हम छोड़ते हैं, फिर एनर्जी उस स्प्रिंग से रिलीज होकर के गियर्स के थ्रू इसके हैंड्स तक आती है और फिर ये क्लैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ये क्या है, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, पूरे पूरा जो इसका कॉम्बिनेशन है इनपुट से आउटपुट तक का, उसको हम बोल सकते हैं मैकेनिज्म, कि हाँ ये इस तरह से काम करता है। इसके अलावा एक सिंपल स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग जो आपके पेन में मिल जाएगी, वो स्प्रिंग क्या करें, हम जैसे प्रेस करते हैं है ना, लोड अप्लाई करते हैं तो डिफॉर्म हो जाती है, फिर तो छोड़ देते हैं तो वो क्या होती है, अपने शेप में आ जाती है वापस। तो वो भी एक मैकेनिज्म है, वो अपने आप में एक मैकेनिज्म है, क्या कंप्रेस कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ठीक, तो एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी फिर रिलीज होती है, तो ये एक मैकेनिज्म। अब पढ़ते हैं क्या चीज है एक्चुअली मैकेनिज्म, अ सिस्टम ऑफ पार्ट्स वर्किंग टुगेदर इन अ मशीन। मैकेनिज्म क्या है, सिस्टम ऑफ पार्ट्स। ठीक, कुछ पार्ट मिल करके एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, लेकिन उनको क्या कंबाइंड काम करना होता है। या दूसरा डेफिनेशन है पीस ऑफ मशीनरी, कोई भी बड़ी मशीन ले लो, छोटी मशीन ले लो,
छोटी से वो छोटी मशीन मतलब जो स्प्रिंग का एक पार्ट मैंने बताया, वहां से लेकर के आप गाड़ी तक चले जाओ, फोर व्हीलर या ट्रेन एरोप्लेन इन सब तक चले जाओ, तो उसका एक पार्ट इस तरह से कैसे ये काम कर रहा है। या सिंपल अपने घर में देख लो तो दरवाजा ओपन और क्लोज करने का जो प्रोसेस होता है वो एक मैकेनिज्म के थ्रू ही होता है। अब मैं आप देखो थोड़ा सा और एलेबोरेट कर रहे हैं इसको। मैकेनिज्म इज डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट फोर्सेस, क्या बोला था मैंने, चाबी भरते हैं, दैट इज इनपुट फोर्सेस एंड मूवमेंट इनटू डिजायर्ड सेट ऑफ आउटपुट फोर्सेस। भाई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मूव क्या करेगा, चाबी मूव करेगी, चाबी के साथ गियर लगा हुआ गियर मूव करेगा, गियर के साथ कनेक्टेड है स्प्रिंग, स्प्रिंग मूव करेगा और एनर्जी स्टोर करेगा। उसके बाद डिजायर्ड आउटपुट क्या है, डिजायर्ड सेट ऑफ आउटपुट क्या है, इस खिलौने के केस में, इस टॉय के केस में ये क्लैपिंग करनी है इसको, ठीक, इनटू अ डिजायर्ड सेट ऑफ आउटपुट फोर्सेस एंड मूवमेंट। तो जो इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट से हमें क्या चाहिए कि ये क्लैपिंग करे, ठीक। तो कैसे करता है, मैकेनिज्म के थ्रू करता है। या जब गाड़ी चलती है आपकी तो इंजन से पावर लेने के बाद फिर वो पावर अलग 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 एलिमेंट्स के थ्रू ट्रांसफर हो करके फिर कहाँ पर था, और जाकर पढ़िएगा फोर्सेस एंड मूवमेंट इनटू डिजायर्ड से इनपुट फोर्सेस एंड मूवमेंट, ठीक, इसको क्या करता है आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक। कौन करता है, मैकेनिज्म। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखो, वन वन थिंग, ये तो डेफिनेशन वाली चीज हो गई। मैकेनिज्म क्या होता है समझने के लिए 3 पॉइंट सफिशिएंट है। डेफिनेशन क्या है इसकी, व्हेन वन ऑफ लिंक्स ऑफ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड, व्हेन वन ऑफ लिंक्स ऑफ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड इट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। कोई भी हम काइनेमेटिक चेन ले लेते हैं, ओपन क्लोज कैसा चाहें, देखो फिगर में ड्रॉ कर लेते हैं इसको, यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ लिंक वन, लिंक नंबर टू, लिंक नंबर थ्री एंड लिंक नंबर, ठीक। तो ये क्या है अभी तक, ये सिंपली एक आपका काइनेमेटिक चेन है, ठीक, ये काइनेमेटिक चेन है। अब मैकेनिज्म का एक सबसे अच्छी बात ये होती है, मैकेनिज्म में हमेशा ये डिजायर्ड आउटपुट ही देगा, अपने हिसाब से नहीं भाग जाएगा कहीं भी। भाई अगर ये जो हमने चेन बनाई हुई है, 4 लिंक की चेन है, मान लो हम 2 नंबर को अपनी तरफ पुल करें तो क्या क्या हो सकता है। पहला, ये पूरा सेट एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाए, ये पूरा जो सिस्टम है एक जगह से दूसरी जगह पता चला डिस्प्लेस हो गया। या क्या हो सकता है, जब इस चेन को खींच रहे हैं तो ये कुछ ऐसे हो जाए, 1 नंबर और 2 नंबर अलाइन हो जाए, 2 नंबर 1 नंबर ऐसे एक दूसरे के साथ है ना 0 डिग्री का एंगल बना लें, और दो नंबर फ्लैट हो गया, फिर ये आपका 3 नंबर कुछ ऐसे आ गया, 4 नंबर ऐसे आ गया, तो इससे कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक। आउटपुट तो मिलेगा लेकिन डिजायर्ड आउटपुट या डिजायर्ड मोशन या कंस्ट्रेंड मोशन पढ़ा था, कोई कंस्ट्रेंड मोशन नहीं मिलेगा, ऐसे रैंडम मोशन मिल जाएगा आपको। लेकिन हमें क्या करना होता है भाई, आउटपुट चाहिए होता है। जब हम मैकेनिज्म या मशीन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें चाहिए होता है आउटपुट, वो भी वैसा आउटपुट जो जैसी हमारी इच्छा हो कि हाँ ये हम बना रहे हैं ये हमें चाहिए। भाई पंखा क्यों चलाते हैं, पंखे से आउटपुट क्या चाहिए होता है, कि हवा वो नीचे फेंक सके, ठीक। अगर हवा ही नीचे नहीं फेंक रहा है तो कोई मतलब नहीं है उसका। ऐसे मैकेनिज्म्स के केस में यहाँ पे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। अगर मैं लिंक नंबर वन को फिक्स कर दूं, यहाँ पे लिंक नंबर वन को फिक्स कर दूं, अब जब लिंक नंबर टू को मूव कराएंगे तो फिक्स होने की वजह से क्या करेगा, ये नंबर थ्री की हेल्प से नंबर फोर को अपनी तरफ पुल करेगा। तो अगर लिंक नंबर टू कुछ इस तरह से रॉक कर रहा है तो
लिंक नंबर थ्री के साथ फोर कनेक्टेड है, लिंक नंबर थ्री के साथ लिंक नंबर फोर कनेक्टेड है, तो ये भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ ऐसे बिल्कुल कंस्ट्रेंड मोशन प्रोवाइड कराएगा, क्या मिल सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है मैकेनिज्म वाला सबको, एक बार रेस्पॉन्ड कर दीजिए, ठीक, क्या मिल सकता है वाला सबको, एक बार रेस्पॉन्ड कर दीजिए चैट में। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर करते हुए चलो। रिओडम अस्सी तो बोल दिया था, चलो क्लियर है सबको, आई थिंक किसी को कोई क्वेरी किसी की नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, डेफिनेशन के लिए या फिर कहीं लिखना हो इस चीज को याद रख लेना बस, और याद करने की जरूरत ही नहीं है यार, एक सिंपल काइनेमेटिक चेन है उसका एक कोई सा भी लिंक पकड़ के क्या करना है, फिक्स कर देना और वो मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्कैन कर लिया क्या? हाँ, तो ये कर लिया सबने, वो स्क्रीनशॉट मत लेना, भेज ऑलरेडी भेज चुका हूँ, लेकिन कुछ इसमें और भी जैसे ये एग्जाम्पल है तो उसमें नहीं मिलेगा पीडीएफ में, तो इसको भी मैं भेज दूंगा, लेक्चर ये फिनिश हो जाएगा फिर 5 to 8। याद रखने के लिए व्हेन वन लिंक ऑफ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड इट इज कॉल्ड मैकेनिज्म, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ लिखना नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैकेनिज्म क्या होता है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। मैकेनिज्म्स जनरली कंसिस्ट ऑफ मूविंग कंपोनेंट्स दैट इंक्लूड, मूविंग कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें क्या क्या हो सकता है आपका, सारे लूप, देखो फिर से वही क्वेरी आ गई है, लूप, लूप का मतलब लंब, नॉट, ये इन सब पे मत जाओ, एक अगर रफ लैंग्वेज में समझे लूप का ये मतलब होता है एक पॉइंट से स्टार्ट करके हम दोबारा राउंड मार के उसी पॉइंट पर पहुंच जाएं। कंप्यूटर साइंस के केस में अगर लूप की बात करते हैं दोबारा राउंड से, अगर लूप ये बार बार वो इटरेशन होता है, बार बार साइकिल चलती रहती है, ठीक। मैकेनिज्म्स के केस में अगर इसमें लूप की बात करें तो वो आउट, इसमें फिर अलग अलग कर लो, आउटपुट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक, केस में इसमें फिर इसमें पता चला आपको सिर्फ आउटपुट के केस रॉकिंग मोशन मिल रहा है, ठीक है, तो उस पे मत जाइए अभी, उनको मत देखिए, सिर्फ अभी क्लोज मूविंग कंपोनेंट्स दैट कैन इंक्लूड क्या क्या हो सकता है मैकेनिज्म में। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का कोई क्वेश्चन है? अनिरुद्ध सारस्वत, अनिरुद्ध बताओ अनम्यूट करके, असाइनमेंट की लास्ट डेट 10 तारीख है यार, अभी क्यों असाइनमेंट कर रहे हैं? तो इसमें देखो क्या क्या हो सकता है मैकेनिज्म, किन किन चीजों से मिलके बन सकता है, गियर्स एंड गियर ट्रेन्स, बेल्ट एंड चेन ड्राइव, ये देख चुके हैं आप लोग, कैम एंड कैम फॉलोअर भी देख चुके हैं, लिंकेजेस, अब लिंकेजेस से क्या मतलब है, काइनेमेटिक लिंक,
kinematic, वो links which have some moving parts. Components such as frame का कौन सा mechanism आ जाएगा भाई? Frame में तो कोई moving part नहीं है ना? वगैरह लगा के काम करते हैं तो उसमें फ्रेम जैसे ब्रिज बनाते हैं हम, होता क्या है ब्रिज वाला लेते हैं ऐसे ऐसे करके ना करते हैं तो उसमें ब्रिज बनाते हैं, समझ में आया? ये शेप का ब्रिज है नीचे जिसको सपोर्ट कर रहे हैं इस वाले ऊपर वाले फ्रेम के साथ, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर के साथ हमने इसको क्या किया हुआ है, सपोर्ट दे रख का कुछ ऐसे ट्रस वगैरह लोड अप्लाई हुआ पोर्ट से लेकर के वॉइस क्लियर नहीं है, अब क्लियर है कि नहीं बताओ? वॉइस का एक बार बता दो सब लोग, ऐसा तो नहीं है सबके पास प्रॉब्लम है? क्या? यस सर क्लियर है, ओके। नारायण थोड़ा सा अपना एडजस्ट कर लो, है ना, इंटरनेट या फोन एडजस्ट कर लो, अब आ रही है सही? ठीक है। स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट सच एज फ्रेम, फास्टनर्स, बियरिंग्स, स्प्रिंग्स एंड लुब्रिकेंट्स। एक्चुअली है क्या है? अच्छा, कट जाती है आवाज, ठीक है, अब नहीं कटेगी। वो इंटरनेट का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहता है ना, इस वजह से हो जाता है। वेरियस मशीन एलिमेंट्स सच एज स्प्लाइंस, पिंस एंड कीज। अब ये क्या क्या चीजें हैं ये देख लीजिए आप एक बार, इसको मैं हटा देता हूँ। फ्रेम का समझ में आ गया, जो ब्रिज पर आपने फ्रेमिंग देखी होगी। फास्टनर्स, फास्टनर्स का ये मतलब है जो भी नट बोल्ट स्क्रू टाइप की चीजें होती हैं। बियरिंग्स, बियरिंग तो आप वही जानते होंगे कि ऐसे एक रिंग दूसरा रिंग उसमें फिर ऐसे गोल गोल से है ना लगा दो, नहीं ये नहीं। बियरिंग में अलग अलग टाइप की बियरिंग आती है, एक बुश बियरिंग टाइप भी आती है, ठीक है। तो नितिन सर फोन देख लो, तो बुश बियरिंग में क्या होता है, रॉड होगी जिस पर हम लोड अप्लाई करते हैं, और ये पूरी की पूरी रॉड एक कप टाइप के बियरिंग में आ जाती है, ठीक है ना। इन्वर्जन, अभी इसके पहले क्या बताया था आपको कि लिंक नंबर वन को फिक्स कर रहे थे ना, इसके पहले जो फिगर बनाया था देख लो एक बार फिर से। मान लो एक दो तीन चार, कहां ड्रा हो रहा है यार, रिलेटिव मोशन कंपलसरी है लेकिन वो सिंगल कंपोनेंट टाइप का भी हो सकता है, जैसे स्प्रिंग। ठीक है, स्प्लाइंस, रिलेटिव मोशन बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है, सब मैकेनिकल मोशन बिल्कुल कंपलसरी है। रिलेटिव मोशन इज कंपलसरी फॉर मैकेनिज्म। अच्छा देखो, दो चीजें पकड़ के चलेंगे मैकेनिज्म समझने के लिए, रिलेटिव मोशन का और आपका लोड का।
इस पे देखिए, पहला हम ले लेते, एक तो आपका 1.4 है, एक 1.2, ये लेंथ दिया हुआ है इसमें, एक लिंक का साइज है 1 और एक लिंक का साइज है 0.4, ठीक है। अब देखो इसमें जो मूवमेंट हो रहा है, सबसे पहले वाले पे ध्यान देना जो सबसे लेफ्ट हैंड पे चल रहा है, वो सबसे छोटी लिंक 0.4, इसको मीटर बोल देते हैं ना, ठीक है। तो 0.4 यूनिट की जो लिंक है वो एज अ क्रैंक काम कर रही है। एक मीटर वाली लिंक को हमने क्या किया, एक जगह पहले फिक्स कर दिया, अब ये एक क्रैंक की तरह काम कर रही है और 360 डिग्री का रोटेशन मिल रहा है। और ये जो 1.2 लेंथ की लिंक है वो एक आउटपुट दे रहा है क्या, रॉकिंग का, ठीक, लेफ्ट टू राइट ये रॉक कर रहा है। यार लीड भिजवा दो, यार लीड भिजवा दो किसी कौन से। अब देखो इसके बाद जो दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर वाले में एक बार 1.2 को फिक्स कर दिया है तो आउटपुट देखो कुछ और मिल रहा है हमें, ठीक। 1.4 को फिक्स कर दिया तो आउटपुट कुछ और मिल रहा है। फिर नीचे देखो, ये बस डायरेक्शन चेंज कर दिया है नीचे वाले में, है वही। अब सबसे राइट में देख लो, बिल्कुल राइट में है, 0.4 वाले को फिक्स कर दिया, 0.4 वाले लेंथ जो भी लिंक है उसको हमने फिक्स कर दिया, तो कुछ इस तरह का मोशन हमें मिल रहा है इनपुट आउटपुट पे। पर्पल कलर वाले को हम इनपुट मान लें और एक नंबर की लिंक को हम आउटपुट मान लें, तो इस 1.2 और 1 के साथ जो कनेक्टेड है वहां पर हमें आउटपुट मिल रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं। पर्पल वाले पे क्या मिल रहा है, हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, और आउटपुट कहाँ मिल रहा है, 1.2 और 1 जहां कनेक्टेड है। अब हो क्या स्ट्रिंग करने का ये मतलब है कि अलग अलग लिंक को जब हम फिक्स करते हैं तो अलग अलग मिल रहा है आउटपुट पे, यहाँ भी ऐसे कुछ अलग अलग टाइप के मोशन मिल रहे हैं। बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स ऑफ चेन डिफरेंट मैकेनिज्म्स कैन बी ऑब्टेंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। तो इन्वर्जन